डियर स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन द प्रोडिगल सन। देयर वॉज अ रिच मैन हु हैड टू सन्स। ही लव्ड हिज सन्स वेरी मच। एक अमीर आदमी था, उसके दो बेटे थे, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। The elder son was hard working and obedient. पहला बड़ा बेटा मेहनती और ताबियादार था, but the younger one wanted to enjoy without working hard. मगर दूसरा बेटा, छोटा बेटा, बैठे बैठे मज़ा लेना चाहता था। He wanted to live a life of absolute freedom. वो आज़ाद ज़िंदगी बसर करना चाहता था। He did not want to share any responsibility as he had wanted to live as a life of. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. वो कोई ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहता था और उसकी आँख अपने बाप की प्रॉपर्टी पर था। He said to him his father, उसने अपने बाप से कहा, Father, बाप, give me the share of the property, मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा दीजिए, that belongs to me, जो मुझे आता है। Enter है Hatens were normally given when the father died. जो कुछ बाप के मरने के बाद दिया जाता था। This brazen demand for an early division of estate was selfish and immature. ये पहले ही मरने से पहले, बाप के मरने से पहले ये डिमांड बाप के लिए उसकी खुदगर्जी का और लालची होने का सबूत था। बट द फादर डिवाइडेड हिज वेल्थ बिटवीन द टू सन्स। मगर बाप ने दोनों में प्रॉपर्टी तकसीम की, दौलत तकसीम की। नॉट ए लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स द यंगेस्ट सन ट्रैवल टू ए डिस्टेंट लैंड। कुछ ही देर बाद वो छोटा बेटा किसी और जगह चला गया। वायर ही वेस्टेड हिज मनी, वहाँ पर उसने सारा पैसा खो दिया, ज़ाया किया। ही लिविशली डिनाइड वाइनड एंड गैम्बल्ड, उसने अंधाधुन शराब पिया और जुआ खेला। एट लास्ट व्हेन ही हैड स्पेंट इवन द लास्ट पेनी, जब उसने सारा पैसा, आखिरी रुपया अपनी जेब से खर्च किया, ज़ाया किया, ही ऑलमोस्ट स्टार्व टू डेथ, वो अब मरने के करीब, भूख से मरने के करीब हो गया। देयर केम ए ट्रबल फेमाइन थ्रू आवर द कंट्री दैट मेड लिविंग हरिश। उन दिनों वहाँ कहत सारी हो गई मुल्क में और जीना मुश्किल हो गया। ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं। नो होम टू लिव, कोई रहने के लिए घर नहीं था। इन ए नथिंग टू ईट, उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ही बेरली नीडेड ए जॉब, उसे बहुत काम की ज़रूरत थी। सो ही वेंट एंड हायर्ड हिमसेल्फ टू वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कंट्री, उसने फिर अपने आप को एक उस शहर में रहने वाले के हाँ नौकरी की। Who sent him on to his fields to feed animals? उसने अपने चौपाइयों को
खिलाने के लिए उसने भेज दिया। ही लॉन्ग टू मेक ए मील ऑफ द पॉड्स ऑफ द एनिमल्स वायर ईटिंग। वो ही लॉन्ग टू मेक ए मील ऑफ द पॉड्स ही द एनिमल्स वायर ही ईटिंग। वो अपने लिए सिर्फ खाने उन चौपायों से चौपायों की हफाजत से अपने लिए खाना खरीद सकता था। बट नो वन गेव हिम एनी थिंग, मगर उसे किसी ने कुछ नहीं दिया। द यंगर द हंगर पेंगस पेंगस मेड हिम टू फील डाउन एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस। और भूख ने उसे निडाल किया और वो बेहोश हो गया। वन रिगेनिंग हिज कॉन्शियसनेस, जब उसे होश आया, ही थॉट, उसने सोचा, हाउ मैनी ऑफ माई फादर्स हायर्ड मैन हैव मोर बेड देन दे वन वेंट, वाइल आई हियर एम डाइंग ऑफ हंगर। हाउ मैनी ऑफ माई फादर्स हायर्ड मैन, मेरे बाप के मजदूरों को इससे बेहतर रोटी होगी, लेकिन मैं भूख से मर रहा हूँ। आई विल गो टू माई फादर, मैं अपने बाप के पास जाऊँ, एंड से टू हिम, और उसे कहूँ, फादर आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड बिफोर यू, मैंने आपके यानी उससे मैं उसने कहा कि मैं अपने बाप से माफ़ी मांगूं। आई नो लॉन्गर डिजर्व टू बी कॉल्ड ए सन ऑफ यूवर्स, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। ट्रीट मी एज वन ऑफ योर हायर्ड मैन एंड आई विल वर्क फॉर यू, मुझे अपने मजदूरों में शामिल करके मैं काम कर लूँगा। थैंक यू फॉर टुडे।